घर में कौन से चित्र लगाएं और कौन से नहीं। हम घर में जो तस्वीर लगाते हैं उन तस्वीरों को हम दिन रात देखते हैं, इसलिए उनसे हमारी जीवन शैली और भाग्य पर गहरा असर पड़ता है। वास्तुशास्त्र और अनेक हिंदू धर्म ग्रंथों में चित्र के उपयोग और उनकी महत्ता का वर्णन है। हिंदू माइथोलॉजी द हिडन ट्रुथ में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे जीवन में सुख शांति और समृद्धि के लिए घर में कौन कौन से चित्र लगाएं और कौन कौन से नहीं। राम दरबार की तस्वीर। राम दरबार की तस्वीर घर के ड्राइंग रूम में लगाने से घर के सदस्यों के बीच आपसी प्रेम बढ़ता है। श्री कृष्ण की गाय के साथ की तस्वीर। श्री कृष्ण की गाय के साथ एक पैर पर टेक लगाए हुए बांसुरी बजाते हुई तस्वीर अपने ड्राइंग रूम या पूजा घर में लगानी चाहिए। ये सौभाग्य और धन प्राप्ति का मार्ग खोल देती है। दौड़ते हुए सात घोड़ों की तस्वीर। समुद्र के किनारे दौड़ते हुए सात घोड़ों की तस्वीर लगाने से व्यापार में तरक्की होती है। इस तस्वीर को ऑफिस के पूर्व दिशा में लगानी चाहिए। यशोदा और कृष्ण की तस्वीर। माता यशोदा के साथ बालकृष्ण की तस्वीर गर्भवती महिला के कक्ष में लगानी चाहिए। अगर आपके घर में छोटा बच्चा है तो भी आप यह तस्वीर लगा सकते हैं। इससे माता और पुत्र के बीच में स्नेह बढ़ता है। तैरते हुए राजहंस की तस्वीर। तैरते हुए राजहंस की तस्वीर अतिथि कक्ष में लगाने से धन प्राप्ति के मार्ग खुल जाते हैं। यह तस्वीर पॉजिटिव एनर्जी लेकर आती है। महाभारत की तस्वीर। घर में महाभारत की तस्वीर लगाना और महाभारत को रखना अशुभ माना गया है। ऐसी कहावत है, घर में महाभारत रखने से घर में महाभारत हो जाती है। इसे रखने से घर में, परिवार में मनमुटाव और लड़ाई झगड़े बढ़ते हैं। फूल के गुलदस्ते की तस्वीर। फूल के गुलदस्ते की तस्वीर या फिर ताजा सुगंधित फूल शयन कक्ष में लगाने से पति पत्नी के बीच में प्यार बढ़ता है। बहते हुए झरने की तस्वीर। बहते हुए झरने की तस्वीर या कोई बहते हुए जल स्रोत की तस्वीर घर में लगाने से धन की हानि होती है, इससे मन अस्थिर रहता है। घर के सारे सदस्यों की हंसती हुई तस्वीर। घर के सारे सदस्यों की हंसती हुई तस्वीर घर में लगाने से गृह कलेश मिट जाता है। इस तस्वीर को आप अपने ड्राइंग रूम में दक्षिण पश्चिम दिशा में लगाएं। नटराज शिव की तस्वीर। नटराज शिव की मूर्ति या तस्वीर विनाश का सूचक है। इस तस्वीर में वो तांडव नृत्य करते हैं जो कि उनका विध्वंस स्वरूप है, इसलिए इसे घर में नहीं रखना चाहिए। माता सरस्वती की तस्वीर। माता सरस्वती की तस्वीर बच्चों के पढ़ने के कक्ष में लगाने से उनका पढ़ाई में मन ज्यादा लगेगा, इसे उत्तर की दीवार में लगाना चाहिए। किसी भी युद्ध की तस्वीर। किसी भी युद्ध की तस्वीर घर में लगाने से घर के सदस्यों के बीच में आपसी मनमुटाव बना रहता है, ऐसी तस्वीर घर में नहीं लगानी चाहिए। भगवान धन्वंतरी की तस्वीर। भगवान धन्वंतरी की हाथ में अमृत कलश ली हुई तस्वीर घर में खुशहाली और धन के आगमन का मार्ग प्रशस्त करती है। रोते हुए बच्चे की तस्वीर। रोते हुए बच्चों की तस्वीर घर में नहीं लगानी चाहिए, ऐसी तस्वीर लगाने से आप मानसिक रूप से परेशान हो सकते हैं, डिप्रेशन में आ सकते हैं। ऐसी कोई भी तस्वीर हमें घर में नहीं लगानी चाहिए जो शोकाकुल वातावरण घर में पैदा करती हो। राधा कृष्ण की तस्वीर। राधा कृष्ण का चित्र या तस्वीर शयन कक्ष में लगाने से पति पत्नी के बीच का तनाव मिट जाता है और उनके बीच में आपसी प्रेम बढ़ता है। माता लक्ष्मी की खड़ी मुद्रा में तस्वीर। माता लक्ष्मी को चंचला कहा गया है, अगर उनकी खड़ी तस्वीर लगाएंगे तो वह एक जगह नहीं रहेंगी, इसलिए ऐसी तस्वीर रखनी चाहिए जिसमें माता लक्ष्मी कमल के फूल पर बैठी हुई है। माता लक्ष्मी की ऐसी तस्वीर जिनमें वो खड़ी है घर में नहीं लगानी चाहिए। माता अन्नपूर्णा की तस्वीर। माता अन्नपूर्णा की तस्वीर रसोई घर में लगाने से घर में अन्न के भंडार भरे रहेंगे। जंगली जानवर की तस्वीर। किसी भी जंगली जानवर की तस्वीर जिसमें वो खूंखार लग रहे हो, वो अपने शिकार पर नजर रखे हुए हो या शिकार कर रहे हो, ऐसी तस्वीर घर में नहीं लगानी चाहिए। ये तस्वीर घर में नकारात्मक ऊर्जा को लेकर आती है और आपके अंदर हिंसक भावनाओं को जगा देती है। लव बर्ड्स की तस्वीर।
लव बर्ड्स यानी कि पक्षियों के जोड़े की तस्वीर नव दंपत्ति के कक्ष में लगानी चाहिए। ताजमहल की तस्वीर। ताजमहल एक कब्रगाह है और किसी के मृत्यु की निशानी को घर में रखना अशुभ माना जाता है, इसलिए इस तस्वीर को घर में ना लगाएं। डूबते हुए जहाज की तस्वीर। डूबते हुए जहाज की तस्वीर घर में लगाने से आपके विचारों में नकारात्मकता आती है और प्रगति रुक जाती है, ऐसी तस्वीर घर में बिल्कुल न लगाएं। आशा करते हैं आपको यह वीडियो से कुछ ज्ञान की प्राप्ति हुई होगी। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक में देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, और अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वो घंटी वाला बटन अवश्य दबाएं।